मेरे चैनल कुकिंग टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चावल की खीर। तो चलिए बनाते हैं। हम लेंगे 1 लीटर अमूल गोल्ड, 2 मुट्ठी चावल, शक्कर, बादाम, काजू, किशमिश और 4 इलायची। एक पतीला लेकर उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब हम इसमें काजू और बादाम को थोड़ा लाल होने तक तल लेंगे। देखिए काजू लाल होने लगे हैं। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे ताकि ये जले ना। अब बचे हुए घी में हमने जो धोकर रखा हुआ था चावल उसे डाल लेंगे और 2 मिनट तक उसे लाल होने तक भून लेंगे। देखिए चावल थोड़े से लाल हो गए हैं। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। ये 1 लीटर दूध है। अब इसमें 2 कप और पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसे हम मध्यम आंच में पकाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक रही है खीर। हम इसे 20 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे ताकि जो खीर है वो जल्दी से पकना चालू हो जाए और अच्छे से गाढ़ी हो जाए। देखिए हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसमें जो 3-4 इलायची हमने कूट के रखा हुआ था अब उसे हम इसमें डाल देंगे और जो हमने काजू रोस्ट करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए हमारी खीर बनकर तैयार है। तो चलिए आइए इसे हम सर्व करते हैं। मेरी खीर की रेसिपी एक बार बनाकर ज़रूर देखें। थैंक यू।